Hello everyone, this is Vibha. A very good morning to all of you. How are you all? I hope you all will be very good and healthy at your home. So student, today I am here to continue the same chapter, chapter 1. I have left the chapter at the discussion of about the author. Who was the author? I have told you, R.K. Narayan. Mr. R.K. Narayan was the writer of the story, a hero. So see about him, what is the facts? R.K. Narayan, this is the date, 10 October 1906 to 13 May 2001 class. It is the DOB, means date of birth hai ye unki. Aur ye jo 13 May and 2001 hai, it is a date of death. Yeah, is din unki death hui thi. Toh ye unka time span hai. Was an Indian writer known for his works set in the fictional South Indian town of Malgudi. Ye ek Indian writer hai. ठीक है, राइटर थे, सॉरी, वॉज राइटर नोन फॉर हिज वर्क सेट इन फिक्शनल साउथ इंडियन टाउन. क्योंकि ये अपने किस किन वर्क्स के लिए फेमस हैं? मालगुडी डेज. आपने एक स्टोरीज पढ़ोगे, आप कभी आर के नारायण डालेंगे, मालगुडी डेज सर्च करेंगे, तो इनकी वहाँ पे बहुत, एक छोटे से बच्चे के बारे में इन्होंने बहुत सारी, साउथ इंडियन बच्चा है जिसके बारे में इन्होंने बहुत सारी स्टोरीज लिखी हैं, इसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए थे. आफ्टर दैट ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश along with Mulk Raj Anand and Raja Rao. He was a leading author of Indian English literature. Indian, भारत ने में जितने लोगों ने English literature लिखा उसमें से इन ये बहुत ज़्यादा leading रहे हैं, मतलब सबसे आगे इनका नाम आता है. After that Mulk Raj Anand and Raja Rao, इन ये लोग हिंदी इंडियन राइटर हैं लेकिन इन्होंने भी इंग्लिश लिटरेचर में बहुत कुछ लिखा है. Narayana's work include the semi-autobiographical trilogy of Swami and Friends. जो आर के नारायण हैं उनके works में थोड़े थोड़े सेमी ऑटोबायोग्राफिकल मीन्स होता है, क्लास ऑटोबायोग्राफी मीन्स होता है अपने बारे में कुछ लिखना. सेमी ऑटोबायोग्राफी मीन्स हाफ, उसमें कहीं कहीं हर स्टोरी में उन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, जो उनकी लाइफ में उनके साथ खुद के हुआ था, वो चीज़ें उसमें ऐड की हैं, इसलिए उसको सेमी ऑटोबायोग्राफिकल ट्रिलॉजी मीन्स होता है. थ्री थिंग्स मीन्स जिसमें कि वो खुद होते थे, स्वामी एक उन्होंने अपना करेक्टर लिया है और अब उसमें उसके दोस्तों के बारे में स्टोरीज लिखी हैं. एक उन्होंने ट्रिलॉजी लिखी है, जो तो तीन उनके वर्क हैं जो बहुत ज़्यादा फेमस माने जाते हैं, वो कौन से हैं? स्वामी एंड फ्रेंड्स, सेकंड है आपका द बैचलर ऑफ आर्ट्स, एंड द थर्ड वन इज द इंग्लिश टीचर. ट्रिलॉजी मीन्स होता है द ग्रुप ऑफ थ्री. ये थ्री वर्क्स जो है उनके फेमस वर्क्स में से माने जाते हैं. आफ्टर दैट ही वॉन द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर द गाइड. गाइड इज़ अ मूवी एज वेल, एक उन्होंने ये वक्त लिखा है जो कि इसके लिए उन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था आर के नारायण जी को. विच वॉज एडेप्टेड फॉर अ फिल्म इन हिंदी एंड इंग्लिश. इसके ऊपर द गाइड मूवी का भी आप सर्च करेंगे तो गाइड जो है वो एक मूवी भी बनी है, इन्हीं के सेम उनके वर्क पे एक मूवी भी बनाई गई है. ठीक है, सो इट इज़ अबाउट द मिस्टर आर के नारायण. यू हैव टू राइट डाउन एटलीस्ट फाइव फैक्ट्स अबाउट द राइटर. यू हैव मेंशन द नेम ऑफ आर के नारायण एंड मेंशन 1, 2, 3, 4 and 5 फैक्ट्स अबाउट हिम फ्रॉम दिस पैराग्राफ. आपको यहाँ से उनके फाइव फैक्ट्स नोट करने हैं और उनको पॉइंट्स में अपनी नोटबुक पर लिखना है. लेट अस ट्राई एक्सरसाइज नंबर 1 विच इज़ फिल इन द ब्लैंक्स. यू हैव रेड द स्टोरी, आई हैव टॉट यू, so you will fill the blanks according to that story. First one, Swami blank, the theory that courage was everything, strength and age were not important. Swami इसको क्या follow करता है, ये इसके against होता है, तो यहाँ पर word क्या लिखा हुआ था वहाँ पर, disputed. disputed means होता है लड़ाई करता है, वो इसके against अपने father से लड़ाई करता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ सब कुछ है. उसके फादर ने बोला कि नहीं एज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, स्ट्रेंथ होनी चाहिए अंदर से, तो वो क्या बोलता है, वो इससे डिस्प्यूट यानी कि अगेंस्ट होता है. तो व्हाट इज़ द आंसर ऑफ ए इज़ डिस्प्यूटेड. क्वेश्चन नंबर 2, स्लीपिंग अलोन इन द ऑफिस वॉज स्कैरी ब्लैंक फॉर स्वामी. स्कैरी मीन्स स्केरी क्या था, स्केरी प्रोपोर्शन, मैंने बताया था प्रोपोर्शन मीन्स होता है ए टास्क विच यू हैव टू डू. एक ऐसा टास्क था जो आपको करना है, बहुत ही स्केरी मीन्स डरावना. ठीक है, तो ये टास्क उसके लिए कैसा था, बहुत ही डरावना टास्क था. तो आप यहाँ पे सेकंड वाले में क्या फिल करोगे, प्रोपोर्शन. व्हाट इट द बी ऑप्शन बी इज प्रोपोर्शन, दिस वन बी. थ्री,
means option number C. Swami blank with his father to allow him to sleep in the hall. अपने father से वो क्या करता है? Pleaded means होता है to request करता है. C. After that, question number 4. While sleeping, Swami had a खाली आपका blank about a tiger attacking him. क्या देखता है वो उस रात को जब वो सो रहा होता है वहाँ अकेला, tiger के बारे में a nightmare. मैंने बताया था एक डरावना सा सपना देखता है वो, nightmare means. ठीक है, तो option D will be here. E. The burglar means होता है thief, मैंने आपको स्टोरी में बताया था. Gave an blank cry when beaten on a leg. जब उसके leg में उसने काटा तो उसने कैसी cry की? Agonized means sadful, painful cry, क्योंकि उसके भाई जब उसने काट लिया तो pain होने लगा, तो वहाँ पे painful cry. Option E is agonized. After this F, Swami was able to catch a blank burglar at night of in his house. Burglar जो था वो कैसा था? Notorious means जो बहुत अपने गलत कामों के लिए फेमस होता है उसको क्या बोलते हैं? Notorious. So option B will be here. F will be here. So it is the sequence of your fill in the blanks. Write down all the answers in your notebook and fill the blanks and write down all the blanks in your notebook. After that, I will show you one more thing. Class for you, it will have to you have to do it in your homework. I will just discuss the one number one. Rest of the two and rest of the three or four जो भी हैं आपको अपने आप से खुद से करने हैं. मैं first आपको example सिर्फ समझा रही हूँ कि आपको कैसे solve करना है. तो फर्स्ट नंबर देखिए, टिक द करेक्ट ऑप्शन. ये देयर इज अ क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है और उसके कितने ऑप्शन है? ए बी सी डी, फोर ऑप्शन आर देयर. यू हैव टू चूज द करेक्ट वन एंड टिक हेयर. आपको इन फोर में से जो भी करेक्ट होगा यहाँ पे आपको टिक करना है. सो क्वेश्चन द फर्स्ट द क्वेश्चन, वाई हैड इवेंट्स टेकन एन अनएक्सपेक्टेड टर्न फॉर स्वामी. उसके लिए ये जो जो उसके साथ जो अनएक्सपेक्टेड हो रहा था कि उसके फादर ने उसको ऑर्डर दे दिया कि जाओ तुम अकेले ऑफिस में सोना, और ऐसा इवेंट उसके साथ क्यों हुआ? सो रीड द ऑप्शंस. ही वॉज आज टू फाइट अ टाइगर. उसको टाइगर से लड़ने के लिए बोला गया. द कॉवर्डली एक्ट ऑफ बॉयज वॉज गिवन इन द न्यूज़पेपर, क्योंकि उस न्यूज़पेपर में बच्चे की डरावनी, बच्चे के एक कायरता की स्टोरी दी हुई थी. फादर टोल्ड स्वामी टू स्लीप अलोन एंड प्रूव हिज करेज. फादर ने उस स्वामी को बोला कि तुम अकेले सो और अपनी करेज को प्रूव करो. या फिर लास्ट, स्वामी वॉज टोल्ड नॉट टू अटेंड द स्कूल. या स्वामी से कहा गया कि तुम स्कूल अटेंड नहीं करोगे. तो विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन? उसके साथ क्या अनएक्सपेक्टेड हुआ था? अनएक्सपेक्टेड जो उसके साथ हुआ था वो हुआ था दिस वन, सी. हिज फादर टोल्ड स्वामी टू स्लीप अलोन एंड प्रूव हिज करेज. मीन्स ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट. क्यों? क्योंकि उसके साथ अनएक्सपेक्टेड मीन्स होता है जिसकी आपको उम्मीद भी ना हो. उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके फादर कभी भी इतना स्ट्रिक्ट उसके लिए ऑर्डर कर देंगे. सो इस तरीके से आपको रेस्ट ऑफ द फोर और फाइव ऑप्शंस जो भी हैं वो आप क्वेश्चंस मैं आपको सेंड करूंगी होमवर्क में. यू हैव टू कंप्लीट द टास्क एज एग्जाम्पल है. जैसे मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दिया ऐसे ही आपको वो भी पूरे करने हैं. एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक. आई होप यू विल गेट द कंप्लीट चैप्टर. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.